दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की फ्रंट नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये 38 साइज का ब्लाउज है। ये 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। और देखिए ये 4 इंच में मैंने ये नेक ड्रॉ कर लिया है बोट नेक। तो आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है। तो देखिए शोल्डर से 4 इंच लिया है और इसकी जो लेंथ ली है ये भी 4 इंच ली है और इस तरह से बॉक्स बना के और 1.5 इंच की मैंने इसमें गुलाई दे दी है। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें डिजाइन कैसे डालें। हमारी नेक में भी डिजाइन रहेगी, इसमें पैच रहेगा और इसके बाद नीचे भी हमारे ये थर्माकोल के जो बटन होते हैं वो लगाएंगे। तो देखिए अभी हम सेम नेक हमने ये ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद अभी हम इसकी डिजाइन देते हैं। तो देखिए हमको जो तैयार में ये पट्टी चाहिए तो आप ये 1.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लें। ये 1.5 इंच का एक पैच आएगा हमारे नेक में। तो देखिए इस तरह से मैंने 1.5 इंच में एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम नीचे इसमें अभी डिजाइन देने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा 5.5 इंच में ये पैच रहेगा, जो कटिंग होगी नेक की वो ये रहेगी और इसके बाद ये पैच रहेगा। इसके बाद फिर हमारे नीचे डिजाइन भी आएगी तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिजाइन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंच में हम डिजाइन देते हैं। तो देखिए नेक से 2 इंच लिया है मैंने और यहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है। 1/2 इंच से लेके इस तरह से यहाँ पे क्रॉस में एक डिजाइन देनी है। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ देते हैं और यहाँ से फिर हम एक डिजाइन देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1/2 इंच लिया था तो यहाँ पे 1 इंच लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे तो ये डबल है। तो इस तरह से 1 इंच ले लें और इसकी लंबाई भी जैसे हमने यहाँ पे ली थी सेम उसी तरह आपको इसकी लंबाई लेनी है 2 इंच में। तो ये सेंटर में हम निशान लगा देते हैं और अभी यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में ये लाइन खींचते हैं और जो हमारा ये मार्किंग है इसको लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बूट ने कट कर लेते हैं। तो ये ब्लाउज का और लाइनिंग का एक साथ ही तो देखिए मैंने कैनवास का टुकड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है और जो हमारा ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख लेते हैं। इसकी चौड़ाई आगे जो कैनवास की 1 इंच के आसपास ले ले। इस तरह से रखने के बाद सेम ड्रॉप इसको कट कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने ड्राफ्ट हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से भी कट करना है क्योंकि हम इस सेंटर में भी यहाँ पे जैसे मैंने बताया बटन्स लगाने वाले हैं। तो इसको भी कट कर लेंगे, कैनवास को भी और सेम ब्लाउज पीस को भी। ये मैंने कट कर लिया है, ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो सबसे पहले मैं अपना प्रिंसेस कट पीस को ज्वाइंट करूँगी और उसके बाद फिर इस डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो क्या करना है, देखिए आपको स्टिचिंग का मेथड, सीधा ब्लाउज रख लिया हमने और इस तरह से हमने ये नेक पट्टी रख ली। अब इसके ऊपर हम अपना कैनवास पट्टी रख लेते हैं, देखिए इस तरह से। अभी आपको करना क्या है, या नेक से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद जो हमारा ये नेक है इसको हम कट कर देंगे और इसको पलट के फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह दोनों साइड के पीस तैयार कर लेंगे। और अभी हम बताते हैं जो हमने जो पैच कट किया है इसकी जगह हम जो पैच लगाने वाले हैं उसके बारे में। तो देखिए इसके लिए भी हम क्लॉथ ले लेते हैं। तो जैसे नेक का बचा हुआ टुकड़ा हो या कोई भी टुकड़ा आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये क्लॉथ ले लिया है, मैं सेम ब्लाउज का ही लगा रही हूँ, खाली इसमें पाइपिंग हम गोल्ड कलर की लगाएंगे। और जो हमारा ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को आप इस तरह से इसमें सेट कर लें। अभी आपको क्या करना है, जो ये डिजाइन है इसको तो हम कट कर देंगे और इसकी जो चौड़ाई लेंगे इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमको फिनिशिंग के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से सेट करके और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं।
जो हम कैनवास लेंगे वो सेम इसी की चौड़ाई लेंगे जो हमारी ये पट्टी है। तो देखिए पैच हमारा तैयार हो चुका है। अब ये कैनवास कट कर लेते हैं सेम ड्राफ्ट को रख के, और कैनवास के लिए जो हमारी ये डिजाइन है इसको भी कट कर देते हैं। देखिए और इसी पट्टी को रख के कैनवास कट कर लेते हैं। देखिए मैंने कैनवास और नेक पट्टी दोनों कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे ये गोल कपड़ा रखा है, ये सीधा रखा है, इसके ऊपर ये हम कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख देंगे, और यहाँ पे फिर हम कैनवास रख लेंगे। ये रखने के बाद हम नेक में यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको पलट के गोल्ड कलर की पाइपिंग देंगे और ये पैच हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने यहाँ से नीचे से लेके पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर दिया है। इस पार्ट को स्टिच नहीं किया है और इस पार्ट को भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से हम पलट देंगे इसको और हमारा डिजाइन भी आएगा। तो देखिए इस तरह से सेट कर लें इसको। मैंने ये पूरे में स्टिच डाल दिया है और इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। और फिर देखिए हम जो ऊपर लगाने वाले हैं पैच, उसके बाद तैयार करते हैं। तो देखिए इसको भी जैसे मैंने बताया था, नीचे मैंने गोल्ड कलर रखा है, उसके ऊपर ग्लू और उसके ऊपर कैनवास, और इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। और अभी हम इसको पलट के पाइपिंग दे देते हैं। देखिए इस तरह से इसमें पाइपिंग दे के स्टिच डालते हैं। है और जो कैनवास है इसको हम इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच डाल देंगे बड़ा सिलाई, और जब हम तैयार कर लेंगे तो इसको निकाल देंगे बड़े सिलाई। अभी हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है इसको इसके साथ में अटैच करेंगे, इस तरह से स्टिचिंग डाल देंगे, अटैच करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों पीसों को सेंटर से जॉइंट करके यहाँ पर डिजाइन देते हैं, फिर क्या है ये एक साथ ही हमारा ये डिजाइन लग जाएगा। तो इसको साइड में रखते हैं और पैच तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने ये डिजाइनें बनाई हैं, और इस तरह की बॉल बटन कैसे बनाने हैं वो आपके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये मैंने गोल्ड कलर का कपड़ा लिया है, ये 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा लिया है, ये थर्माकोल की बॉल ली है जो कि इसके अंदर हम इस तरह से इसको रख देंगे। रखने के बाद धागे से इसको बांध देते हैं। ये धागे से बंधने के बाद ये मैंने डोरी बनाई है, और इस तरह की डोरी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अपलोड किया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस डोरी को हम यहाँ से इस तरह से बांधेंगे और सेम धागे से इसको टाइट कर देंगे। देखिए ये बटन हमारे इस तरह के तैयार हो जाएंगे। अभी हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए एक पट्टी मैंने इस तरह से तैयार कर ली है, 1 इंच चौड़ी है, 2 इंच लिया था फिनिशिंग के लिए, मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब इस पट्टी को हम लेफ्ट साइड में इस तरह से यहाँ से स्टिच कर देते हैं, जो हमारी ये डिजाइन है यहाँ से स्टिच करना है। क्योंकि इस फुटर से बॉल बराबर से नहीं लगती है, क्योंकि इस तरह से हमने ये फुटर को चेंज कर लेते हैं। अभी इन दोनों डिजाइनों को यहाँ से ऊपर से एक बराबर देख लें, जो पॉइंट है यहाँ से पॉइंट बराबर आ जाए, और यहाँ से स्टिच स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर से हम इन बॉलों को स्टिच कर देते हैं इस तरह से लगाते हुए। देखिए मैंने ये लाइन पूरा इस तरह से मैंने बटन स्टिच कर दिया है, नीचे इसमें फिनिशिंग भी दे दी है, और इस तरह से हम तुरपाई कर देंगे तो ये इस तरह से है। अभी हम नेक को तैयार करते हैं। तो देखिए पैच तो हमने एक साइड से तो स्टिच कर ही लिया है, अभी दूसरे साइड से स्टिच करते हैं। तो देखिए अभी क्या करेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे हम यहाँ से। इतना पीस हमने स्टिच कर लिया है, और सेम अभी हम इस साइड का भी स्टिच कर लेते हैं, जैसे क्या है हमारा डिजाइन जो है बराबर से बैठ जाएगा, आगे पीछे नहीं होंगे पार्ट। तो देखिए मैंने इस साइड का भी स्टिच कर लिया है और इस साइड, अभी हमारी ये दोनों साइड के बचे हैं। अभी हम यहाँ से इस तरह से सेट करते हुए इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए
यहाँ से पूरे इस पॉइंट को भी मैंने स्टिच कर दिया है। और अभी हम यहाँ पे पाइपिंग लगा के इसकी फिनिशिंग देते हैं। तो ये मैंने थ्रेड पाइपिंग बनाई है और देखिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पाइपिंग को अंदर रखेंगे और जो हमारा ये क्लॉथ है देखिए इस तरह से पाइपिंग हमारी इस तरह से दिखनी चाहिए। तो ये थ्रेड पाइपिंग बनाई है मैंने और थ्रेड पाइपिंग कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो भी देख लें। तो उसके लिए मैंने फुटर चेंज कर लिया है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने स्टिच कर दिया है पाइपिंग लगा के। तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है, डबल पाइपिंग आ रही है और ये हमारी थ्री डिजाइन्स आ रही हैं। यहाँ पर बटन्स आ रहे हैं बॉल वाले और देखिए फिटिंग आप जब दे देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इस आसान तरीके से ब्लाउज की फ्रंट डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।